तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई आपको पता ही है, जैसे कि मैंने कल किंग को दिखा दिया था, तो अभी मैं सोच रहा हूँ आज से उसकी डाइट शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके लिए खुराक बनाऊंगा अच्छे से और थोड़ा सा उसके लिए सामान वगैरह लेके आऊँगा जिससे वो जल्दी जल्दी अच्छा हो जाए। और ये एग भी मैंने ले लिया है जो कि बच्चों के लिए, आपको पता है बच्चों की खुराक में डलता है। और चलो मैं आज बच्चों की खुराक भी बता देता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि मैं वो खुराक नहीं दे रहा, भाई मैं सिंपल खुराक ही देता हूँ जो बच्चों को असर करती है ना जल्दी, भाई मैं वही चीज़ देता हूँ। मेरी मतलब मैं लोगों को भेज देता हूँ, उनको लगता है कि नहीं भाई ये वो खुराक नहीं है जो आप अपने मुर्गों को देते। भाई खुराक छुपा के मेरे को कुछ नहीं मिलेगा और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर भाई मैं बता भी देता हूँ। तो छत पे आ गए थे, मौसम ठीक है आज। तो भाई ये है पानी गर्म और ये है मेरी चाय, भाई ऊपर ही लेके आ गया क्योंकि टाइम नहीं था अभी इनको खोलने। तो फिलहाल पानी चेंज कर देता हूँ क्योंकि अगर इसको रखा रखा ना, सबसे पहले ये पानी को ही निकलेंगे और इस ठंडे पानी पे ही मुंह डालेंगे। सबसे पहले इस पर गर्म पानी डालते हैं। भाप निकल रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो, दाना ढूंढ रहे हैं ये लोग। इसको दाना नहीं, पहले खुराक इनकी ना मैं ढूंढ लेता हूँ। अभी ना मेरे को चूजे की साउंड आई है तो मैं जल्दी से हटा के देखता हूँ, चूजे निकले शायद से। पता नहीं भाई मेरे को आई है, कसम से साउंड आई है मेरे को, चेक करने दो। रुक जा भाई, देख लेने दे प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हो यार, गुस्सा क्यों हो रहा है? इसको हटा के ना फिर देखते हटी नहीं थी यार ये तो। अंडा फोड़ दिया पागल ने। हाँ अच्छा 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 भाई, अंडा नहीं फोड़ा, जिसमें से बच्चा निकला हुआ है ना वो अंडा ये, मतलब बच्चा निकला हुआ है, आप इसी से देख लो। अभी नहीं छेड़ता हूँ गुस्से में क्योंकि, और निकल लेने दो भाई ये देखो। अरे यार शुक्र है भाई, एक तो निकला, बाकी देखते हैं भाई क्योंकि गाइस एक बच्चा निकल चुका है जैसे कि आपने देख ला। एक हाथ से भाई उसको उठाना बहुत मुश्किल है, अगर मैं उसको उठाने जाऊंगा तो मारेगी, तो मैं नहीं चाहता सुबह सुबह मेरे भाई दर्द लूँ क्योंकि आपको पता है ठंड बहुत है। तो इससे अच्छा थोड़ा टूक में रुकता हूँ, इनको खुराक देता हूँ, उसके बाद उसको उठाता हूँ, फिर कैमरा ऑन करके आप दिखाता हूँ। मेरे ये बच्चे ना किसी दिन लात तुड़वाएंगे भाई, ठंड का टाइम है और इनको कूदने की पड़ी है, छत से कूद के चले गए फिर से ये दोनों। भाई यार क्या है ये भाई, ये रही बच्चों की खुराक, इसमें क्या क्या मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें हमने आधा आधा किलो नहीं पाया घी डाला था, 500 ग्राम बादाम, 500 ग्राम चने का आटा और एक एक दो आइटम और थी, क्या थी, 100 रुपए के काजू थे। ठीक है, और एक चीज़ थी मेरे को वो याद नहीं आ रही, मैं जैसे याद आएगी आपको बता दूंगा। वो कुछ इतना खास नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ ही थी, वैसे ही गर्म रखने के लिए थोड़ी सी डाली थी हमने। और भाई घी का कैसे बरतना है पता ना, ये सब चीज़ों को पीस के बादाम और काजू वगैरह को मिक्स करके ना घी को गैस पे गरम करके उसके अंदर इसको फ्राई करना है, जैसे भाई पंजीरी बनाते हैं ना, बहुत लोगों को पता होगा पंजीरी, इसको मतलब उसके अंदर ना राड़ना होता है, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन करना होता है। अब इसमें मैं एग डाल देता हूँ जल्दी से। तो भाई अब तो इन्होंने खुद ही खाना स्टार्ट कर दिया है, पट्टियों को जल्दबाजी है भाई खाने की, कुछ पट्टियों अभी तुम्हारे लिए नहीं है, ले 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 ले, खाओ खाओ खाओ। तो भाई ये राज है हमारे बच्चों का, अभी आप अपने बच्चों को दे सकते हो। बहुत लोगों को भाई मेरे को कमेंट आए थे कि भाई यही चीज़ हम दे रहे असर नहीं कर रही, भाई हमें हमारे बच्चों को ये चीज़ असर कर देती है। अगर किसी के बच्चे भाई पहले से बहुत कमजोरी में हो तो भाई उसको तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है ये बात होती है। और गाइस अभी मेरा भाई गया हुआ है इसलिए मैं अकेला हूँ, भाई मेरा गया हुआ है मुर्गा लेने, ठीक है, ट्रेन में एक मुर्गा आ रहा है हमारा, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे, आप कमेंट करना, ठीक है, अगर किसी को लेना होगा तो भी बता देना। तो अभी वो आ रहा है, तो गया हुआ है, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट और लग जाएंगे उससे आने, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर तो ये तीन ही रह गए क्योंकि आपको पता है बाकी वो तीन कूद गए नीचे, तो इनको बाजरा रखा है, अभी जब नीचे जाऊँगा उनके लिए थोड़ी सी उसकी खुराक लेके जाऊँगा। एक तो उसको पकड़ना मुश्किल है भाई, इतना तेज है ना वो नीचे जाके, तो अभी इसको बाजरा भी रख दिया है, पहले खुराक दे दो भाई, जितना बाजरा खाए तो उसके बाद खाने दो, बेफिक्र होके भाई, क्योंकि जितना वो खाएगा उतना जल्दी वो हजम करेगा, उतना जल्दी उसकी शरीर पे लगेगा। आप लोग ना अगर
कोई कमजोरी में उसको तीन टाइम दाना दे रहे हो ना, तो वो बहुत जल्दी जल्दी फिट होएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बासी रोटियाँ भिगो के दिया करो, उससे बहुत जल्दी जल्दी ना मतलब वेट बढ़ता है और बॉडी में ना वापस से वो हड्डियाँ जो निकली होती है ना उसकी वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इन दोनों को तो अच्छी आदत डल चुकी है, आदत उन लोगों को भी डल चुकी है भाई ऐसे जाने की। बस वो लोग तो खुलते ही ना उनको लगता है कि नीचे जाना है भाई, ये नहीं कि थोड़ा बहुत खा लें कुछ कर लें, नहीं इस करके वो सीधा कूद जाते हैं। ये तो भाई देखो आराम से जा रहे नीचे, चलो 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 चलो, गुड गुड गुड। ये दोनों बच्चे भी अपने बहुत खुश होकर खाते हैं, ये तो यहीं पे खाता रहता है, वो थोड़ा सा तोड़ के ले जाता है फिर वहाँ पे जाके खाता है, फिर आता है देखो फिर लेके चले जाएगा, टूटा ना अगर ज़्यादा से। तो थोड़ी सी बचानी है अभी मेरे को उसके लिए, अगर कहीं सारी ना खा जाइए। किंग को खोल दिया है, उसकी फैमिली को खोल दिया, वो रही इन्हीं के साथ बंद होता है किंग अपना, वो लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो इसको ज़्यादा नहीं खिलाना है क्योंकि दो तीन दिन इसको कम ही खिलाना है, क्योंकि बाहर से आया ना तो हाजमे में थोड़ी प्रॉब्लम ना आए, इस करके कम ही खिलाना है। स्टाइल चेंज नहीं हुआ भाई इसका खाने होने का, बस इसको ना थोड़ा सा किसी दिन नहलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहला नहीं सकता क्योंकि आपको पता धूप नहीं आ रही है बिल्कुल भी। धूप आएगी ना जब तब इसको नहलाना पड़ेगा, क्योंकि बिना नहलाए ये फ्रेश फील नहीं कर पाएगा। अभी मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना इसको नहलाना पड़ेगा, उसके बाद ही ना फ्रेश फील करेगा। तो पहले बच्चों को नीचे छोड़ के आता हूँ, फिर उसके बाद किंग को भी नीचे लेके चलते हैं। भाई अभी ये बच्चा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, जब इस बच्चे का उन पट्टियों दोनों पट्टियों के साथ क्रॉस होएगा ना अपने जावे वाले का चीने वाले बच्चों के साथ, भाई तब बनेगी चीज़। आप लोग भी बोलोगे भाई ओगर भाई ये क्या बनाती है, ऐसी चीज़ बन जाएगी भाई जब इस बच्चे का वो दोनों पट्टियों के साथ क्रॉस होगा। बड़े होने दो इनको, उसके बाद देखना आप, कम से कम डेढ़ डेढ़ साल के होने दो, उसके बाद जो निकलेंगे ना बस सपोर्ट करते रहो, तब तक दिखाएंगे आपको भाई क्या चीज़ बना दी अपन ने। अपने किंग के बच्चे का रंग ना इसका रंग सेम टू सेम किंग जैसा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ही ऐसा है, जब ये बड़ा हो जाएगा ना थोड़ा और तो एकदम किंग जैसा हो जाएगा, सेम टू सेम। देसी मुर्गा, जंगली मुर्गा, चेक करो पट्टा। ओहो हो हो, अखा देखो भाई, हाइब्रिड। ये देखो भाई, लो चेक करो, अब चेक करो भाई इसे, तो भाई एक बच्चा ये रहा, ठीक है, और इसमें से निकल रहा है, इसमें से भी निकल रहा है, ये देखो, ठीक है, यहाँ से ये देखो, हाँ, और इसमें से भी निकल रहा है, ये देखो, छेड़ना छेड़ना रहने दे अपने आप खुद का। तो ये रहा, ठीक है, बाकी हम छेड़ते नहीं है, बाकी एक बच्चा उठाओ उसको दिखाओ, यहाँ पे रखो। तो ये भाई बच्चा अपने प्रिंस का है, चेक करो भाई कितना क्यूट है भाई, फुल प्रिंस का बच्चा ही अपने प्रिंस का, चेक करो बताओ कैसा है, छोटा सा ही अभी तो क्या ही बताओगे, फिलहाल वैसे ही देखो। तो भाई अपने प्रिंस के दो ही बच्चे निकले हैं, ठीक है, चार अंडे ख़राब थे उसमें से एक ये भी ख़राब है, तीन पहले ख़राब थे, और जो अपने बाकी जो थे ना और जो अपने चीने वाले हैं, ठीक है, उसमें से चार में बच्चे हैं, ठीक है, पाँच में थे, एक अंडा ख़राब कर दिया था हमने गलती से। इन सबको खिला दिया, ठीक है, इनको भी खिला दिया है, बस इनको पानी पिला रहे, गर्म पानी लेके आया था ना फिर से मैं, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है इस टाइम पे। तो भाई चलो एक बार और देख लेते हैं बच्चे कितने निकले हैं, ठीक है, चार में से निकलने वाले थे, दो निकल चुके थे, बाकी चलो चोबर देखो भाई, बस चेक करो। तो आज चोबर की फड़काई करवाई थी जिसका रिजल्ट मैंने ग्रुप में डाला है, तो आप लोग देख सकते हो ग्रुप में आके, ठीक है। तो गाइस तीन बच्चे निकल चुके हैं, ठीक है, दो प्रिंस के एक चीने का, तो बाकी तीन में से पूरा टूट गया है, सुबह तक निकल जाएगा, हम नहीं चाहते कि खुद निकालें। तो ये थी अपनी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो भी मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।